सभी को नमस्कार, राम राम, सत्यकाल, सलाम वालेकुम, आदाब, गुड इवनिंग, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया, बच्चा का समाज में विकास कैसे होता है, समाज अपनी संस्कृति, सभ्यता, जो भी समाज के कानून कायदे रूल्स होते हैं उनको बच्चा कैसे सीखता है, किन किन अवस्थाओं में कैसे सीखता है, सोशलाइजेशन को प्रभावित कौन कौन से कार्य करते हैं, बच्चा कैसे डेवलप करेगा तथा उसे महत्वपूर्ण किस तरह से उपयोगी है, किस तरह से बच्चा उस समाज में रहना चाहता है और समाज बच्चे को किस तरह से सेटमेंट करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अपनी क्लास रहेगी सिक्स्थ और छोटा सा टॉपिक है, हर बार सीटेट में एक प्रश्न पूछा जाता है, अच्छे से पढ़ेंगे, छोटा सा है, थोड़े थोड़े उतना ही है जितना एग्जाम में पूछा था, एक्स्ट्रा कोई मटेरियल नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बेल आइकन वाला घंटा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर ही देंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, फिर अच्छे से तैयारी करें, डेट आई गई है सबको पता ही है, जितना करवाया जाए या तो उसके नोट्स बना लें या फिर पीडीएफ से पढ़ लें, जैसा आपको अच्छा लगे। समाजीकरण का अर्थ क्या है, एक शब्द है, इसका अर्थ क्या है, समाजीकरण में क्या क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है, किन वजह से इसे समाजीकरण कहा जाता है, समाजीकरण ही नाम क्यों पड़ा इसका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रवेश करता है, समाज के विभिन्न समूह का सदस्य बनता है तथा जिसके द्वारा वह समाज के मूल्य और कर्तव्यों को स्वीकार करने की जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्य और कर्तव्यों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। बच्चे को समाजीकरण सोशलाइजेशन के कारण बच्चा जिसी भी परिवार में जमाया, चाहे कौन सा भी धर्म हो, संस्कृति हो, कहीं पे भी जन्म लिया है, उसके अकॉर्डिंग वो बड़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग वो सीखता जाएगा। अगर कोई सिख धर्म में कोई बच्चा जन्म लिया है, सिख धर्म में, मुस्लिम धर्म में, हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, विश्व का कौन सा भी धर्म हो, कौन सी भी जगह हो, जिस जगह वो जन्म लेगा उसके आसपास लोग कैसे रहते हैं, कैसा उनका पहनावा है, कैसे उनकी बोलचाल है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब कुछ वो सीखेगा। जहां से वो सीखता है, जिस समाज से सीखता है, और उस सीखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। यही समाजीकरण का अर्थ है सोशलाइजेशन। बच्चा अर्जन करता है, सीखता है। अगर सिख समाज में जन्माया तो केसर, रखेगा, कंगा, फरपाण, जो भी उस धर्म के रूल है उन रूल के अकॉर्डिंग रहेगा। मुस्लिम धर्म में जन्मा है तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा, हिंदू धर्म में जन्मा है तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा, तिलक हुआ, अपने चोटी हुई, और ईसाई धर्म में जन्मा है तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। सारे कानून कायदे नियम और उसकी जो दायरा होता है कि ये काम इस धर्म वाला ये काम नहीं करेगा, इस धर्म वाला ये काम नहीं करेगा, वो सारे समाज में रह के सीखे जाते हैं, इसलिए उसे समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। प्रत्येक संस्कृति स्पष्ट रूप से दूसरी संस्कृति से भिन्न है। हर संस्कृति दूसरी संस्कृति से भिन्न है। आप थोड़ी दूर जाओगे, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जाओगे, पहनावा बदल जाएगा, भाषा बदल जाएगी, लोगों का नेचर बदल जाएगा। तो संस्कृति तो थोड़े इलाके, बहुत ज्यादा इलाके के ऊपर, थोड़ी थोड़ी दूर में आजकल भाषा बदल जाती है, ड्रेसिंग सेंस बदल जाता है, लोगों का पहनावा बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है। प्रत्येक संस्कृति स्पष्ट रूप से दूसरी संस्कृति से भिन्न है, अपना अलग स्थान रखती है। जैसे हिंदू संस्कृति अलग है, मुस्लिम संस्कृति अलग है, सिख संस्कृति अलग है, मतलब जिस धर्म में बच्चा जन्मा है उस धर्म के पहनावा, ड्रेसिंग सेंस, A to Z, उनके यहां तक कि उनके नियम कानून कायदे सब अलग होते हैं। तो यही कहा गया है कि प्रत्येक संस्कृति स्पष्ट रूप से दूसरी संस्कृति से अलग है, वह अपना अलग स्थान रखती है। संस्कृति का अलग होना समाजीकरण के कारण होता है, समाजीकरण जन्म से शुरू हो जाता है और जब तक इंसान जिंदा रहता है, जब उसको उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक चलता रहता है। विकास गर्भ से शुरू हो जाता है, मृत्यु तक चलता है, और समाजीकरण जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, समाजीकरण की विशेषताएं। समाजीकरण की विशेषताएं क्या क्या, जैसे अपनी विकास की विशेषताएं थी, वृद्धि की विशेषताएं थी, वैसे ही समाजीकरण की कुछ विशेषताएं हैं। समाजीकरण जन्म से मृत्यु तक चलता है, और विकास कब से कब तक चलता है, विकास चलता है मां के गर्भ से शुरू हो जाता है और बच्चे के, इंसान की मृत्यु तक चलता है, गर्भ से शुरू होता है। जो बच्चा मां के गर्भ धारण से विकास, बच्चे का डेवलप होना शुरू हो जाता है, बच्चा बनना शुरू हो जाता है। पहले अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, युग्मज बनता है, फिर एक अंडा बनता है, उसे युक्ता बोलते हैं मनोविज्ञान की भाषा में, फिर वो भ्रूण के रूप में बनता है, भ्रूण फिर मानव आकृति धारण कर लेता है, फिर वो बड़ा
जैसे जन्म होता है फिर उसका आकार बढ़ता जाता है, उसकी वृद्धि होती जाती है, उसका विकास हो जाता है। वैसे समाजीकरण जैसे बच्चा जन्म लेगा ना तब से शुरू होगा, बल्कि विकास मां के गर्भ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, समाजीकरण जन्म से मृत्यु तक चलता है। पूछा जाए समाजीकरण की प्रक्रिया कब से कब तक चलती है, अगर ऑप्शन में आए जन्म से मृत्यु तक, गर्भ से मृत्यु तक, तो ये कुछ सेम सेम ऑप्शन है, सेम से क्वेश्चन होते हैं, ये इंसान को विचलित कर देते हैं। तो होगा समाजीकरण जन्म से कब तक चलेगा, मृत्यु तक चलेगा। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया, समाजीकरण में अपन सोशलाइजेशन समाज में रहकर सीखते हैं कि कैसे रहना है, कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने, कौन से इस समाज के कानून है, कौन से नहीं है, किन कामों के लिए समाज में शाबाशी देगा, किन कामों के लिए समाज में नकारेगा, किन कामों के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, किन कामों से हमें दूर रहना चाहिए, यही समाजीकरण सीखते हैं समाज में रहकर। वह समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण के कारण, समाजीकरण के माध्यम से मनुष्य अपनी संस्कृति को आत्मसात करता है, मतलब सीखता है। आज से 100 साल पहले 200 साल पहले अपने पूर्वजों की अलग संस्कृति थी, हमसे मिलती जुलती थोड़ी अलग होगी, फिर अपने माता पिता ने उनसे सीखी, वो रहने लगे, उनसे सीखे, आज हम इतने बड़े हो गए, हम सीख रहे हैं, हमारी होने वाली संतान हमसे सीखेगी। तो एक दूसरे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती जाती है, कुछ समय के बाद संस्कृति ड्रेसिंग सेंस भी चेंज हो जाता है। जैसे पहले आजकल लड़कियां जो प्लाजो पहनती है, पहले वो पैंट आया करती थी, जैसे अपने अमिताभ बच्चन सब पहनते हैं उस तरह की पैंट आया करती थी, लड़कियां पहनने लगी, अब वापस वो पैंट आ गई, उसे बेल बॉटम बोलने लगे। तो धीरे 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 जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा, वैसे जैसे संस्कृति भी चेंज होती जाएगी, लोगों का पहनावा चेंज होता जाएगा, लोगों का आचरण चेंज होता जाएगा। समाजीकरण के माध्यम से मनुष्य अपनी संस्कृति को आत्मसात करता है। समाजीकरण से व्यक्ति में सहयोग की भावना, टीम वर्क, मतलब एक साथ मिलकर ग्रुप में काम करना, समन्वय में स्थापित होता है। समाजीकरण अगर सोशलाइजेशन अच्छा होगा तो आप हर इंसान से अच्छे से मिलके चलोगे। अगर कोई किसी को आपके हेल्प की जरूरत है, आप किसी हेल्प करोगे, एक साथ मिलके काम करोगे, समन्वय मतलब प्यार बना रहे आपस में। जैसे पड़ोसी, बगल वाला पड़ोसी अच्छा ना हो तो बगल वाला, अगर आप अच्छे नहीं हो तो बगल वाला पड़ोसी भी अच्छा नहीं हो, बगल वाला अच्छे नहीं है तो फिर आप अच्छे कैसे होगे। आप अच्छे हो तो बगल वाला अच्छा नहीं होता, बगल वाला अच्छा होता तो आप अच्छे नहीं होते। उसी तरह से जैसा अपना समाज होगा, जिस समाज में हम रह रहे हैं, गांव में किसी भी इंसान को कोई भी जरूरत पड़ जाए, कोई भी आया हुआ गेस्ट, तो वो सबके घर में सभी से मिलजुल के आता है। बाजार में चले जाएं तो बस चले गए उनके पास, उनके घर तक ही जाके उनके घर से वापस आना होता है। अपने परिवार में कोई गेस्ट आ जाए, हम अपने पूरे परिवार से मिलवाते हैं। तो जैसे समाज में रहेगा, जैसे वातावरण में रहेगा ना, उसका वैसा ही सोशलाइजेशन होगा। समाजीकरण से व्यक्ति में सहयोग की भावना व टीम वर्क व समन्वय स्थापित होता है। समाजीकरण हमें अनुशासित करता है, हमें सिखाता है डिसिप्लिन में रहना, कि ये काम करना है, ये नहीं करना, ऐसे करोगे तो समाज आपको ताना मारेगा, अगर ये काम करोगे तो आपको शाबाशी मिलेगी, किसी की हेल्प करोगे तो बहुत अच्छा होगा, किसी का बुरा करोगे, चोरी करोगे, गंदे काम करोगे तो समाज ताने मारेगा, अच्छे काम करोगे तो समाज आपको सम्मानित करेगा। उसी तरह से समाज हमें अनुशासित भी करता है, हमें रहना सिखाता है किस तरह से रहना है। जैसे अपन स्कूल में जाते हैं, वहां पे डिसिप्लिन होता है, कुछ रूल होते हैं, कानून कायदे होते हैं, ड्रेस के हुए, जो भी हुए, उसी तरह से समाज भी हमें रहना सिखाता है कि आपको ये कपड़े पहनने, ये पहनोगे अच्छे लगोगे, ये पहनोगे बुरे लगोगे, इस तरह से बातें करोगे अच्छे लगोगे, किसी को इस बात का ऐसे जवाब दोगे तो बुरे लगोगे। वो सारा हमें सोशलाइजेशन समाज में रहकर सिखाया जाता है। समाजीकरण के प्रकार, समाजीकरण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, तो प्राथमिक एक होता है गौण, प्राथमिक होता है परिवार, जो सबसे पहले, प्राथमिक का मतलब होता है पहले स्टार्टिंग, जैसे प्राथमिक स्कूल हो, प्राथमिक ज्ञान हो या प्राथमिक विकास हो, जो भी हो, प्राथमिक का मतलब पहले, जो सबसे पहले जहां से आप सीखते हो, जिस सबसे पहले जो आपको मिलता है वो होता है प्राथमिक। प्राथमिक पहले सबसे बच्चा परिवार में रहकर सीखेगा, मम्मी पापा से सीखेगा या उसके बड़े भाई छोटे बहन भाई जो भी है उनसे सीखेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा। परिवार में प्राथमिक में सिर्फ परिवार आता है, होश के तो हॉस्पिटल आ जाएगा, क्या होश के तो हॉस्पिटल, क्योंकि बच्चे को जरूरत पड़ती रहती है वहां पर जाने की, भगवान ना करे खुदा ना खास्ता किसी का हो, अगर जरूरत पड़ती रहती है होश के तो हॉस्पिटल, जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल होगा, अगर परिवार ऑप्शन में है तो आप 100% श्योर होकर परिवार को राइट कर दीजिए, आपका 100% सही होगा। परिवार को छोड़कर सभी, दूसरा है अपना समाजीकरण का प्रकार गौण, परिवार को छोड़कर सभी, विद्यालय हो गया, लाइब्रेरी हो गई, आपका खेल मैदान हो गया, आपके संगी साथी हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके परिवार वाले हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, और आप खेलने जाते हो वहां पे क्रीड़ा स्थल हो गया, आप अपने दोस्तों से मिलते हो वो हो गया, वो सभी किस में आ जाए गौण में। समाजीकरण के बाह्य माध्यम
मतलब समाजीकरण किन किन के माध्यम से होता है, किन किन चीजों से बच्चा सीखता है, किन किन चीजों से सोशलाइजेशन होता है, परिवार से होता है, विद्यालय से होता ही है, समाज, आपके आसपास में कौन लोग रहते हैं, किन लोगों के बीच आप रहते हो, संगी साथी, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके कॉन्टेक्ट में जो भी है, वो सारे जहां जहां आप जाते हो परिवार को छोड़ के, सारा का सारा गौण में आ जाएगा। वो समाजीकरण के बाहर का परिवार भी है, परिवार प्राथमिक है और बाकी है वो गौण, मतलब द्वितीय है। समाजीकरण की अवस्थाएं, समाजीकरण किन किन अवस्थाओं में, जैसे विकास शिष्य अवस्था में, बाल्य अवस्था में, किशोर अवस्था में, किस किस प्रकार से होता है, किन किन के माध्यम से होता है, वो इसमें है। शिष्य अवस्था, शिष्य अवस्था कब होती है, शिष्य अवस्था होती है आपकी जन्म से, जन्म से दो वर्ष मान लो, पर तो रियल में होती है जन्म से दो वर्ष, मतलब एक साल तक का बच्चा, डेढ़ साल तक का बच्चा वो समाजीकरण में सीख लेता है। इस अवस्था में बच्चा अपने भाव विचारों और संवेदनाओं को हंसकर, रोकर, मुस्कुराकर, गुस्सा कर अभिव्यक्त करता है। दो साल तक का बच्चा है, अगर उसे भूख लगी हुई है रोने लग जाएगा, अगर वो खुश है तो हंसने लग जाएगा, अगर वो और ज्यादा खुश है तो खेलने लग जाएगा अपने आप से। तो शिष्य अवस्था में बच्चा अपने भावों को, विचारों को, संवेदनाओं, फीलिंग्स को हंसकर, खुश होगा तो हंसने लगेगा, दुखी होगा तो रोने लगेगा, भूखा हो जाएगा तो रोने लग जाएगा, खुश होगा तो हंसने लग जाएगा, मुस्कुराएगा। फिर आता है अपना पूरा बाल्यावस्था, पूरा बाल्यावस्था दो वर्ष से छह वर्ष मान लो, सात वर्ष मान लो, एक ही बात है, ऑप्शन में छह हो तो छह सही होगा, सात हो तो सात सही होगा, दोनों नहीं, छह और सात दोनों नहीं आएंगे, एक आएगा, दो से सात वर्ष या छह वर्ष। मौखिक अवस्था का विकसित रूप, मौखिक अवस्था का विकसित रूप, मौखिक अवस्था कौन सी होती है, ऊपर वाली। शिष्य अवस्था को मौखिक अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है, शिष्य अवस्था को समाजीकरण की भाषा में किस क्या बोलते हैं, मौखिक अवस्था, मौखिक, मौखिक अवस्था बोलते हैं शिष्य अवस्था को, मौखिक अवस्था, शेष अवस्था को मौखिक अवस्था बोलते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में क्या गया है, दो वर्ष से सात वर्ष तक मौखिक अवस्था की विकसित अवस्था, विकसित अवस्था मतलब वो जो रोने चिल्लाने वाली थी ना, अपने भावों को अभिव्यक्त करता था, वो यहाँ पे कुछ बोल के बताने लग जाएगा, भूख लगी है तो खाना मांग लेगा, दुखी है तो बोल देगा, कुछ भी दर्द कर रहा है, लगी चोट लगी जो भी हुआ बता देगा, भूख लगी खाना मांग लेगा, सुसू आ रहे हैं करके आ जाएगा, खुद नहा लेगा, मतलब डेवलप होने लग जाता है उसका। इस अवस्था में बच्चे को आत्मनिर्भर बनने की कोशिश, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाती है बच्चे को, कि ऐसे सुसु करके आने तो ऐसे करके आएगा, फ्रेश होके आना तो ऐसे होके आया कर, नहाना ऐसे नहाया कर, खाना डाल के ऐसे खाया कर, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे रोटी को तोड़नी चाहिए, ऐसे खानी चाहिए, वो सब बातें दो साल का बच्चा हो जाए उसे बताई जाती है, वो घर वाले ही बताते हैं। बच्चा कोई भी आए उसे नमस्ते बोलना है, जो भी आदरपूर्वक शब्द, कोई जाए तो उसे हाथ मिलाना, जो भी उस किसी भी परिवार की जो भी सभ्यता है, वो संस्कृति में जो भी नियम है वो बताए जाते हैं। आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाती है, निर्भरता से बच्चा आत्मनिर्भर की ओर बढ़ने लग जाता है, जैसे सोच, फ्रेश होना, खाना खाना, पीना, सफाई रखना, सफाई में सोच भी आ जाएगा कि अंदर नहीं करना होता, सुसु पोटी जो भी है बोल के बता दिया कर, तो बोल के बताने लग जाता है, सुसु पोटी जो भी उसे दिक्कत होती है। इस अवस्था में समाजीकरण के साथ साथ भाषा विकास भी सबसे तेज गति से होता है। भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है, पूर्व बाल्यावस्था, कौन सा है, पूर्व बाल्यावस्था। तो इस अवस्था में भाषा विकास भी सबसे तेज होगा, सोशलाइजेशन भी सबसे तेज होगा, ठीक है। और यह अवस्था जो पूर्व बाल्यावस्था है ना, भाषा विकास के लिए और सोशलाइजेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे भाषा विकास और सोशलाइजेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, तो होगा आपका पूर्व बाल्यावस्था। अगर पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन में नहीं है तो बाल्यावस्था होगा, ठीक है। फिर चलते हैं उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था के बाद जो अवस्था आती है, सात से बारह वर्ष, छह से बारह वर्ष वो होती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था, सात वर्ष से बारह वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा अपने परिवार के सदस्यों की भूमिका तथा परिवार में अपनी भूमिका समझने लग जाता है, उसी के अनुसार व्यवहार करने लग जाता है। परिवार के सदस्यों की भूमिका, मम्मी की क्या भूमिका है, पापा की क्या भूमिका है, दीदी की क्या है, बड़े भाई की क्या है, मम्मी हमारे लिए क्या करती है, पापा हमारे लिए क्या करते हैं, बड़े बहन क्या करते हैं, बड़े भाई क्या करते हैं, उन सारी की भूमिका, उनके कार्य वो समझने लग जाता है, खुद का भी समझने लग जाता है कि मेरे को इस परिवार के लिए क्या करना है, मैं किस काम में हाथ बढ़ा सकता हूँ, मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, उसमें वो समझने लग जाता है।
उसी के अनुसार विहार करने लग जाता है, उसी के अनुसार अगर उसे पता है कि मुझे खुद खुद नहाना है, खुद खाना है, खुद को कहीं पे जाके आना है, दोस्तों से मिलके आना है, खेल के आना है, तो खुद बाय खुद चला जाएगा, ऐसे नहीं कि उन घर वालों पर निर्भर रहेगा। ठीक है, फिर चलते हैं। अगर पहले बच्चा को बाहर भी घूम के आना होता है तो वो बोलता है बाहर चले आइसक्रीम खाने चले, फिर वो जैसे जैसे उसका डेवलप होता जाएगा ना तो वो खुद बाय खुद उन कामों को करने लग जाएगा। ठीक है, फिर किशोर अवस्था, यह अवस्था 12 से 13 वर्ष से 18 से 20 वर्ष तक चलती है सोशलाइजेशन में, वैसे पूछे तो 12 से 18। इस अवस्था में बच्चे को स्वतंत्रता की इच्छा बहुत होती है, अपने माँ बाप की बंदिशों से मुक्त होना चाहता है, हम साथी की बातों को ज्यादा मानते हैं, हम उम्र के मतलब सोशलाइजेशन में स्वतंत्रता की इच्छा ज्यादा होती है। बच्चे घर वाले बोलते हैं कि बाहर नहीं जाना, धूप में नहीं जाना, खेल के नहीं आना, उसके साथ नहीं जाना, तो उन बंदिशों से मुक्ति पाना चाहता है कि मुझे क्यों रोका जा रहा है, मुझे क्यों टोका जा रहा है, मैं खुद समझदार हूं, मैं खुद कर लूंगा जो कर लूंगा, उसे मतलब आजाद होने की। उस अवस्था में उतार चढ़ाव सबसे ज्यादा आते हैं, मतलब कोई भी छोटा सी भी गलती होगी तो मरने की इच्छा होना, किसी ने कुछ कह दिया तो गुस्सा आना, उन बंदिशों से मुक्त होना चाहता है कि मुझे कोई कुछ ना कहे, मैं जैसा करूं मुझे वो करने दो, मुझे जो चाहिए मुझे वो दो, मुझे जो करना है वो करने दो। वो गुलाम मतलब खुद को गुलाम महसूस करता है इस अवस्था में कि मुझे तो परिवार वालों ने बांध के रखा है, मैं जो करना चाहता हूं वो करने नहीं देते, तो स्वतंत्रता की इच्छा बहुत होती है। अपने माँ बाप की बंदिशों से मुक्त होना चाहता है, परिवार जो किसी भी काम के लिए, कोई भी काम हो, कोई कहीं पर जाना हो, उसके लिए रोक टोक करते हैं, वो भी उसे पसंद नहीं है, उनसे भी वो मुक्ति पाना चाहता है। हम साथी की बातों को ज्यादा मानता है, अपने दोस्तों की बातों को ज्यादा मानता है कि घर वाले कुछ बोल रहे हैं वो तो गलत है, मेरे जो दोस्त बोल रहे हैं वो मेरे हितेशी हैं, तो उनकी बात मानूंगा। हकीकत में ये अवस्था ऐसी होती है जिसमें बच्चा किसी की भी नहीं सुनता, अपने दोस्तों को प्राथमिकता देता है। फिर आती है अपनी पुनः समाजीकरण। पुनः समाजीकरण क्या होता है? पुनः समाजीकरण होता है आप आज किसी शहर में रह रहे हो, मतलब आप दिल्ली रह रहे हो, 5 साल बाद आपके मम्मी पापा का ट्रांसफर हो गया, कोलकाता चले गए, वहां पर जाके आप उन लोगों से, उन लोगों के बीच नए लोग होंगे, नया वातावरण होगा, उनके बीच में जाके आप खुद को दोबारा एडजस्टमेंट करोगे, दोबारा आप उसमें समायोजित करोगे, दोबारा उन लोगों के बीच रहना सीखो नए लोगों के साथ, वो होता है पुनः समाजीकरण। इसका आप सीधा सा उदाहरण देखें तो पुनः समाजीकरण, जब लड़की की शादी होती है पहले वो अपने परिवार के अकॉर्डिंग रहती है, मम्मी पापा के सामने, भाई के सामने, सबके सामने आजादी से रहती है, उसकी शादी हो जाती है, ससुराल चली जाती है, नए लोग होते हैं, नया वातावरण होता है, वहां पे भी खुद को समायोजित करती है, अपने सासू ससुर से घुघट करना, वो जिस जो भी उस परिवार की मर्यादा है, जो भी उसकी संस्कृति है, जरूरी नहीं है कि हर परिवार में बहू जाती है वो घुघट ही करती है, मतलब नया वातावरण होता है उसके लिए, नए लोग होते हैं, उनमें जाके वो वापस अपने को समायोजित करती है, आप रहना शुरू करती है, खुद को उस वातावरण के अकॉर्डिंग ढालती है, वही होता है पुनः समाजीकरण। एक वातावरण से जाके दूसरे वातावरण में रहना, उस वातावरण के अनुकूल बन जाना, वो होता है पुनः समाजीकरण, नए परिवेश के अनुकूल खुद को बदलना। समाजीकरण के वाहक माध्यम ऊपर करवाई दिए थे आपको, दोबारा देख लो, परिवार, बच्चा परिवार में रहकर सीखेगा, साथी समूह में रहकर, विद्यालय में रहकर, बच्चे की आर्थिक स्थिति, बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है वो भी मैटर करता है, बच्चे की भाषा बोलने की क्षमता कैसी है वो भी मैटर करता है, और मीडिया, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सबसे भी सीखते हो, वो भी आपको बोलने में, आपके व्यवहार में, सब कुछ में चेंज कर देता है। जैसे पीछे वो मूवी आई थी ना, तो छोटा हर बच्चा बोल रहा था झुकेगा नहीं साला पुष्पा राज, झुकेगा नहीं साला, तो मीडिया भी आपको प्रभावित करता है, उनसे देख के उन जैसे हेयर स्टाइल रखना, उन जैसे कपड़े पहनना, उन जैसे चाल चलना, वो सारा सोशल मीडिया का क्रियाक्रम होता है। सोशलाइजेशन दो प्रकार है, एक सक्रिय समाजीकरण और दूसरा है आपका निष्क्रिय समाजीकरण। सक्रिय समाजीकरण जिसमें आप सक्रिय रह के सीखते हो, आप कुछ करके सीखते हो, एक्टिव रह के करके सीखते हो, मतलब अपनी इंद्रियों के माध्यम से, बल्कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से रह के एक्टिव होके सीखते हो। वह परिवार में आप बोल के, अगर किसी को आपने गाली दी तो आप, अगले ने आपको थप्पड़ लगाया तो आप समझ गए गाली देना गलत है, दोबारा नहीं देंगे, तो आप उससे भी सीखा अपने हम उम्र, अपने संगी साथियों से रह के उनसे लड़ाई होती है तो भी सीखते हो लड़ना नहीं चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, साथी समूह से, हम उम्र समूह से, ये की बात है। पुस्तकालय, ये है निष्क्रिय, आप अगर किसी लाइब्रेरी में बैठे हो पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ निष्क्रिय रूप से
सीख जरूर रहे हो, समाजीकरण आपका जरूर हो रहा है, आपको पता है कि वहां के रूल रेगुलेशन क्या है, चुप रहना है, दूसरे डिस्टर्ब होते हैं बोलने से, तो आप पुस्तकालय में भी सीख रहे हो, हॉस्पिटल जाते हो वहां भी सीखते हो कि भगवान जो करे और जो हो जाए किसी को बीमार ना करे, हॉस्पिटल में ना आना पड़े, कोर्ट में ना जाना पड़े, कुछ ऐसी ऐसा स्थान होता है जिनसे भगवान जितना बचाए आप बचो वही बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल में जाके सीखते हो आप कि लोग हमसे भी दुखी हैं, हम कुछ भी दुखी नहीं है, लोग हमसे भी दुखी हैं, वो भी, मीडिया भी निष्क्रिय है, आप चलते फिरते सीख रहे हो, कहीं पे मूवी देखने के जा रहे हो वहां भी आप कुछ सीख के आते हो, वो भी आपका निष्क्रिय में आ जाएगा। परिवार हम उम्र साथी उम्र ये हो जाएंगे। फिर आता है ब्रॉनफेल बर्नर का पारिस्थितिकी और समाजीकरण का दृष्टिकोण, उन्होंने क्या क्या कहा है, कितने मंडल होता है, कितने कितने बताए हैं कि इस एरिया में बच्चा ये सीखेगा, इस एरिया में बच्चा ये सीखेगा, इससे बड़ा एरिया उसमें ये सीखेगा। उन्होंने बताया ब्रॉनफेल बर्नर का विकास विकास और सामाजिक विकास का पारिस्थितिक दृष्टिकोण कि बच्चा वातावरण में किन किन चीजों से किन किन के माध्यम से कैसे सीखता है, वो सारा इन्होंने इतने चार पांच घटक शामिल किए, लघु मंडल, मध्यमंडल, बाह्य मंडल और वर्ष मंडल और घटनाक्रम, इन सब के बारे में अपन एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। ये अपना इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक मिनट आप अच्छे से देख पाओ, ठीक है, कैसे प्रभावित करते हैं वो सारा इन्होंने बताया था। ब्रॉनफेल बर्नर ने विकास का पारिस्थितिक तंत्र या समाजीकरण का पारिस्थितिक तंत्र एक ही बात है, सेंटर में होता है व्यक्ति, फिर आता है आपका लघु मंडल, इस एरिया में जो दिख रहा है आपको पूरा लघु मंडल, परिवार भी लघु मंडल का लघु मंडल में आता है, विद्यालय भी लघु मंडल में आएगा, साथी सहयोगी भी लघु मंडल में आएंगे, धार्मिक प्रवेश आस पड़ोस आपके परिवार लघु मंडल, सबसे छोटा जो सबसे पहले आता है वो होता है लघु मंडल, लघु मंडल में आपका परिवार आ जाएगा, बच्चा सबसे पहले परिवार से सीखेगा, बाद में वो किससे सीखेगा, अपने आस पड़ोसों से सीखेगा, ठीक है, आस पड़ोसों के बाद वो विद्यालय जाएगा, विद्यालय से सीखेगा, साथी सहयोगी से सीखेगा, उनसे जानेगा कि कौन सी बात सही है कौन सी गलत है, कुछ हद तक कहीं ना कहीं ठोकर लगे तो भी इंसान जानता है, चाहे उस गई सही जाने गलत जाने, गलती करके सीखता है वो भी सीखना ही होता है। परिवार से, विद्यालय से, साथी समूह से, धार्मिक स्थल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जहां भी जाएगा सीखेगा कि ये अपना धर्म है, ये इनका धर्म है, ये उनका धर्म है, जिस मुस्लिम धर्म है, ये सिख धर्म है, मतलब हर धर्म के बारे में बच्चा जानने लग जाएगा, पूरा विस्तार से नहीं जानेगा पर जानने लग जाएगा, हम मंदिर जाते हैं वो मस्जिद जाते हैं, सिख गुरुद्वारे जाते हैं, धर्म सबका एक ही है पर अलग अलग बनाए गए वो बात अलग है, ठीक है। दो नंबर आता है अपना कौन सा, मध्यमंडल, मध्यमंडल ये है, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ये आता है आपका मध्यमंडल। मध्यमंडल क्या है, मध्यमंडल है ना बाह्य मंडल को और लघु मंडल को, इसको लघु मंडल को और बाह्य मंडल को मध्यमंडल जोड़ने का काम कर, अगर पूछा जाए कि लघु मंडल और बाह्य मंडल को जोड़ता है परिवार समाज तो क्या जोड़ता है, उसमें परिवार भी आएगा समाज भी आएगा, पर सीधा पूछा जाए ना ऑप्शन में वो भरतमंडल जोड़ता है मध्यमंडल जोड़ता है, तो कौन सा मध्यमंडल जोड़ता है, इनको जोड़ने की एक कड़ी इनकी कड़ी बनाता है वो मध्यमंडल, मध्यमंडल में आपके स्कूल वातावरण जो भी कुछ आता है वो सब आ जाएगा। ये परिवार आपके आ गया आपका, ये आपका विद्यालय आ गया, जब मध्यमंडल है मध्यमंडल के उदाहरण देखते हैं अपन, उदाहरण टीचर पेरेंट्स मीटिंग, जब बच्चों के माता पिता अध्यापक से मिलते हैं और आपके माता पिता आपके दोस्तों से मिलते हैं और आपके दोस्तों के माता पिता आपके माता पिता से मिलते हैं आपसे मिलते हैं तो भी आप कुछ सीखते हो, उनको मिलाने का काम कौन कर रहा है, उनको मिलाने का काम कर रहा है मध्यमंडल। जैसे टीचर फ्रेंड्स मीटिंग मतलब अभिभावक अध्यापक मीटिंग स्कूल में होती है तो आपके घर वाले अध्यापकों से मिलते हैं, आपके दोस्तों के घर वाले आपके घर वालों से मिलते हैं, आपके घर वाले आपके दोस्तों के घर वालों से मिलते हैं, वो कार्य होता है मध्यमंडल। फिर आता है आपका बाह्य मंडल, बाह्य मंडल मित्र जनसंचार आ जाएगा, कार्यस्थल पड़ोसी
वायुमंडल में पड़ोसी आ जाएंगे, कार्यस्थल जहां पे आपके मम्मी पापा काम कर रहे हैं किसी भी स्थान पे, उनका प्रभाव आप पे इतना नहीं पड़ेगा, पड़ेगा जरूर अगर घर पे आके आपको बात बताएं कुछ, अगर आपका किसी बच्चे का माता पिता डॉक्टर है वो आके बताए कि आज ऐसा ऐसा पेशेंट आया था, उनके ये बीमारी थी, उनका ऐसे ऐसे खर्चा लगा, ऐसे ऐसे उनकी डेथ हो गई, जो भी कुछ बताए, जो भी कर, अगर वकील है किसी का तो वो आके उनके बारे में बताएगा, तो उनका प्रभाव सीधा नहीं पड़ता, थोड़ा पड़ता है, वो आता है आपका वायुमंडल में। मित्र हो गए, जनसंचार, संचार में आपका टीवी आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा, सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स आ जाएंगे। फिर आता है आपका भरतमंडल, भरतमंडल में विश्वास, विचारधाराएं, कानून कायदे, समाज में जो कानून बनाए वो आ जाएंगे, विचारधाराएं किस समाज को लेकर क्या विचारधारा है, हिंदू को हिंदू हिंदू लोगों में मुस्लिम को लेकर क्या विचारधारा है, मुस्लिमों को लेकर हिंदू में क्या विचारधारा है, उनके नियम कानून कायदे जो सब है वो आ जाए आपके भरतमंडल में। फिर आता है आपका लास्ट और सबसे बड़े वाला घटनाक्रम, घटनाकाल, ये सबसे इफेक्टिव है। घटनाकाल मतलब पूरे जीवन काल में बच्चे की कोई भी घटना हो जाए, किसी बच्चे के मम्मी पापा रोज लड़ाई करते हैं, उनका आखिर में डिवोर्स हो गया, तो बच्चे को पूरी जिंदगी वो बात उनके दिमाग में सेट रहेगी कि मम्मी पापा लड़ाई करते थे, उनका डिवोर्स हो गया, पापा अलग हो गए, मम्मी अलग हो गई, वो कौन से के साथ रहेंगे, मम्मी के साथ रहे, पापा के साथ रहे, वो बाद की बात है, पर उन्हें वो घटना पक्का कहीं ना कहीं पक्का प्रभावित करेगी, उनके दिमाग को इफेक्टिव करेगी, उनकी सोच समझ शक्ति सबको प्रभावित करेगी, चाहे वो उनको देख के सुधर जाए या बिगड़ जाए वो अलग बात है, पर उनको प्रभावित जरूर करेगी, चाहे सकारात्मक करो या नकारात्मक करो, वो बच्चे पे डिपेंड है किस तरह से ले रहा है। जैसे किस कोई महामारी, जैसे कोरोना आया था अभी पीछे, कोरोना की वजह से किसी के किसी परिवार किसी बच्चे के परिवार के सदस्य की डेथ हो गई, तो जिंदगी भर याद रहेगा, जैसी बीमारी नाम आएगा ना तो उसको वो बीमारी जरूर याद आएगी दिमाग में कि हाँ यार मेरे भी परिवार के सदस्य की मौत हो गई थी इस बीमारी की वजह से, ऐसे ऐसे, तो वो कुछ घटनाएं होती है जो बच्चे को जिंदगी भर प्रभावित करती है, उसको इफेक्टिव करती है, कहीं ना कहीं उनका नकारात्मक ही रोल होता है लगभग माना जाए तो, हो सके बच्चा किसी लड़ाई से सीख के किसी झगड़े से सीख के अच्छा करना सीख जाए वो अलग है, पर नुकसान हुआ हो ना जहां पे तो वो उनको मानसिक क्षमता को प्रभावित करती ही करती है। ठीक है, तो वो आएगा आपका घटनाक्रम ब्रोनफेल्ड बंधन का, ये पारिस्थितिक तंत्र था। चलिए अब करते हैं पूरा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी, नोट्स बना लीजिए, पीपीटी से पढ़ लीजिए, बहुत इजी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, 1% या 2% पक्के पूछे जाएंगे, एक तो आपका ईवीएस में, क्योंकि ईवीएस में भी सोशलाइजेशन, समाजीकरण, पर्यावरण के बारे में सारा कुछ मिला के आता है, पैडागोजी में पूछ लेंगे या फिर आपका सीडीपी में पूछ लेंगे, 1 या 2% पक्के देखने को मिलेंगे। सभी को ऑल द बेस्ट, सी यू, तैयारी अपनी खींच के रखिए, टेक केयर।